एक्स मिशन नासा ने 9 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया और पृथ्वी से 540 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया था। एक्स मिशन ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और ब्रह्मांड में सबसे चरम रहस्यमयी वस्तुओं ऑब्जेक्ट्स को समझने में वैज्ञानिकों को अहम जानकारी दी। 450 साल पहले 1572 में टाइको को टाइप का सफेद बोना तारा अपने साथी तारे को तोड़ देता है, हिंसक विस्फोट होता है और प्रकाश की गति के करीब कणों को अंतरिक्ष में बिखेर देता है। शोधकर्ताओं ने एक्सरे पोलराइजेशन एक्सवी मिशन की तकनीक का उपयोग करके ये पता लगाया कि प्रकाश कहां से आया, यानी कि इसके बारे में पूरी कहानी का पता लगाया था। एक्सवी मिशन का प्रयोग करके वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ब्लैक होल्स कैसे घूमते हैं, गैलेक्सीज ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द कैसे घूमती है, ब्लैक होल्स गैलेक्सीज का जन्म कैसे और कब हुआ। एक्सवी पहला उपग्रह है जो ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्रह्मांड के दर्जनों ऑब्जेक्ट्स को एक्सरे के ध्रुवीकरण को मापने के लिए सपोर्ट करता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, असल में क्या है ये सब कुछ, आइए सब एक्सपी मिशन को और ज़्यादा समझने के लिए इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वेव्स की वाइब्रेशन लाइन सीधी लाइन्स में हो जाती है तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सरे लाइट और ब्लैक होल्स के डीप अंदर तक जाने वाली लाइट, जो ब्लैक होल्स के एनवायरनमेंट का विजन, ब्लैक होल्स असल में कैसे दिखती हैं, ब्लैक होल्स के ऑल अराउंड क्या कुछ हो रहा होता है और ऑब्जेक्ट्स असल में क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, पल्सार, कुशल तारा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, न्यूट्रॉन स्टार्स, इन सब को समझने के लिए लाइट ही एक सोर्स है जो एक्सरे विजन प्रोवाइड करती है। लाइट जब स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है तो इसका मैटर, एक्सट्रीम मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड से इंट्रैक्शन होता है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज वेव्स और पार्टिकल से बनाने से और ज़्यादा डीप एक्ट करती है, जिससे ऑब्जेक्ट्स के डीप सीक्रेट्स को एस्ट्रोनॉमर्स समझ पाते हैं। भारत की इसरो भी अपना एक्सपोसेट मिशन लॉन्च करने को रेडी है, जो एक्सपी मिशन जैसे भारतीय वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को और ज़्यादा समझने में सपोर्ट करेगा। जिंदगी का मिशन नॉलेज इज लाइफ जिनका होता है वो किंग्स ऑफ लाइफ कहलाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले दुनिया को रोशनी देकर जाते हैं। ऐसे लोग अलग किस्म के होते हैं जो बहुत कम होते हैं। विज्ञान स्पेस को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।